जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि हम लोग बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या हम IPS या IAS बनेंगे, या कोई कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है दोस्तों। पर बचपन में कोई ये नहीं सोचता है कि हमें बड़े होकर यूट्यूबर भी बनना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी रही। और दोस्तों, हम लोगों की खुशी को देख के आप लोगों को अंदाजा लगता भी होगा कि हम लोग क्यों इतने ज्यादा खुश हैं, और आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख दिया होगा। मैं तो भैया ऐसे खुश रहती हूँ, इनसे पूछ लीजिए। तो दोस्तों, हमारी YouTube से जो पहली पेमेंट है वो आ चुकी है, और अब हम जा रहे हैं पेमेंट निकालने, फिर आपसे वहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों, हमारे पास कोई ATM कार्ड तो है नहीं जो कि हम जाके ATM से निकाले, अप्लाई कर दिया है, देखते हैं कब तक आता है। तो चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट पेमेंट अपनी, और हमारे गांव में ही जो कैफे है बना हुआ जो बैंक से, तो हम लोग वहीं से निकालेंगे, आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे अभी मिलती हूँ पेमेंट निकालने के बाद, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हमारी कितनी पेमेंट आई है, मम्मी से भी मिलाएंगे, सबका रिएक्शन दिखाएंगे। सिखा तो वैसे ही बहुत खुश लग रही मैं है, तो वही खुश ही हूं, मैं तो चलिए चलते हैं और पेमेंट निकालते हैं सबसे पहले। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखिए शॉप है, यहाँ से हम लोग अपने पैसे निकालेंगे जो कि हमारी यूट्यूब से पेमेंट आई है। और ये जो भैया आपको दिख रहे हैं साइड में, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है दीपक मिश्रा नाम से, ये उसकी स्टेटस बनाते हैं, आप लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे स्टेटस आपको मिलेंगे। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोगों से जितना हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो हम इनसे पूछ लेते हैं। आपका चैनल किस नाम से? दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा ऑफिशियल नाम से। और जैसा कि आप लोग चाहें तो स्टेटस वगैरह उसमें और कॉमेडी वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, कॉमेडी वीडियो भी डालते हैं ये अपने चैनल पे, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग पेमेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, और फिर चलते हैं थोड़ा आगे, वहाँ पे आपसे थोड़ी बातें करेंगे, आपको मैं सब कुछ बताऊंगी मुझे यूट्यूब में कितनी मेहनत करी है मैंने। तो ये फर्स्ट पेमेंट आई है, बाकी आप लोगों को नहीं पता होगा कुछ भी। तो चलिए हम लोग बातें करेंगे कुछ, और आपसे मिलती हूँ मैं पेमेंट निकालने के बाद। तो पैसे तो चाहिए, वही तो दिखाने हैं। पैसे दिखाने हैं? हाँ। तो ऐसे दिखा दोगे यार, दिख जाएंगे तो इसमें कौन सा पैसा दिखाएगा। म्यूजिक। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि पैसे तो मिले नहीं हम लोगों को, भैया के पास कैश था नहीं। अभी हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, तब हम उनसे पैसे ले लेंगे, उन्हें आधा घंटा लगेगा कम से कम। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम सब आपको बता देंगे कि हमारा कितना पेमेंट आया। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें करना चाहती हूँ आपके साथ, जो कि आपको थोड़ा मोटिवेट करें। तो फ्रेंड, जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि हम लोग बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या हम IPS या IAS बनेंगे, या कोई कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है दोस्तों। पर बचपन में कोई ये नहीं सोचता है कि हमें बड़े होकर यूट्यूबर भी बनना है। हम गाइस हमेशा यूट्यूबर हम लोग मजबूरी में ही बनते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख के अच्छा काम करेंगे। पर हम लोग स्कूल टाइम में कितने भी अच्छे होते हैं पढ़ने में, पर हमारे फैमिली की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं स्कूल टाइम में बहुत ही अच्छी थी पढ़ने में, मैं अच्छी परसेंटेज से पास हुई, यहाँ तक कि मैं अपनी स्कूल में 10th और 12th में टॉपर भी रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करूंगी, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करूंगी। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, पर जो फैमिली कंडीशन की वजह से ये सपना मेरा अधूरा रह गया, तो कहीं जाके मैंने मजबूरी में मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद मुझे यूट्यूब से वो पहचान मिली जो मुझे शायद स्टडी करने के बाद भी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद हमारी जॉब लग जाती है, फिर हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर हम लोगों को इधर उधर से कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस हमें जॉब करनी है और अदरवाइज हमें कोई भी मतलब नहीं है किसी से भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फिर मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया है तो यूट्यूब से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को जानने लगे, हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वो सभी लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो यूट्यूब पे स्टार्टिंग की है तब हमें इतने लोग जानते हैं, और जब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होगा तो पता नहीं कितने लोग जानेंगे। तो गाइस, मुझे पता है मैंने कितनी धूप में खड़े होके वीडियो बनाई है, गर्मी में मैं तो कोई जल जल के वीडियो बनाई मैंने यूट्यूब पे, धूप में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुली, इनकी आदत पड़ गई है धूप में खड़े हुए। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टैग चैनल है 80% अर्निंग मुझे उससे हुई है, और 20% मेरी ब्लॉग वाले चैनल से हुई है। तो जो टोटल अर्निंग हुई है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी मेरी कितनी अर्निंग हुई है। और दोस्तों, इस चैनल पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ब्लॉग वाले में सिखाने भी मेरी बहुत हेल्प कराई है। तो आपको पता होगा कि ब्लॉग में बहुत कम अर्निंग होती है, पर टैग चैनल में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, उसमें इसके हिसाब से 70% या 50% आप लोग मान लीजिए उससे ज़्यादा अर्निंग होती है। पर जो भी सही दोस्तों, फल तो मिल ही गया, फल मिल गया है। अब चलते हैं घर पे और देखते हैं भैया पैसे निकालते या निकालते हैं, तो सिखा की थोड़ी बातें सुन लेते हैं, सिखा आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी जैसे पिछली वीडियो में किया था। तो चलिए, मेरे कहने का बस इतना ही है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो आप उसमें जाएं,
कोई जरूरी नहीं है कि आप, मतलब आपकी फैमिली में कई बार होता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे बड़े होके ये वो, तो अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको पैसा मिलेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में कोई काम नहीं करवाता है, बस ये है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो एक अलग बात है, आप सोशल मीडिया में भी 100% दे पाएंगे तो ही करें, वरना नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उस पे आप लोगों को यूट्यूब पे बिना पैसा लगाए आप अपनी पहचान हासिल कर सकते हैं, यहाँ आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। और लड़कियाँ तो स्पेशली, अगर आप लोग गर्ल्स वीडियो देख रही हैं तो प्लीज आप लोग भी कुछ करें, अगर आप लोगों के घर में इतना पैसा नहीं है कि आप लोग स्टडी कर सके तो आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और वीडियोज डालें, दो सिस्टर है तो काफी अच्छा चैनल चलेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग ब्लॉग इतने ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, पर मेरा एक टैग चैनल है उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसका डांस चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड डांस चैनल में तो कोई अर्निंग नहीं होती है, पर आप एक अच्छी पहचान हासिल कर सकते हैं, आपको आगे चल के स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, स्पॉन्सरशिप से भी आप लोग काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो फ्रेंड चलिए घर पे चलते हैं, पैसे निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज आप लोग ये पैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ से अपने अकाउंट से निकाल के ले आई हूँ, पर घर पे मम्मी है नहीं तो वो गई अपना ई श्रम कार्ड बनवाने, जो कि आप लोग समझते होंगे अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सभी लोग बनवा रहे हैं। तो ये पैसे मतलब अभी मुझे ऐसे ही रखने पड़ेंगे, मम्मी आएंगी तब मैं उनको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। अभी पता नहीं वो कब आती हैं, मैं तो अब जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, तो मैं शाम को 5:30 बजे ही एंट्री करूंगी। तो गाइज हमारा भाई भी स्कूल से आ चुका है, और दोस्तों मैं इसको पहली पेमेंट के बारे में बता रही हूँ कि हाँ हमारी यूट्यूब से पहली पेमेंट आ गई, तो मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश है, आप लोग देख सकते हैं इसके चेहरे पर खुशी। और ये मेरा भाई है, आप लोगों ने काफ़ी ब्लॉग में देखा भी होगा, तो मम्मी ही नहीं है, बाकी सभी सदस्य हमारे घर में उपलब्ध हैं पर मम्मी नहीं है, मम्मी को ई श्रम कार्ड बनवाने की जल्दी। तो देखिए पैसे कितने जल्दी हाथ से छीनिए और गिन रहा है कि कितने पैसे हैं। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है पैसे गिनने में, तो देखिए ये पैसे गिन रहा है, गिन लिए, अब देखते हैं ये कितने बताता है गिन के। 8,500। दोस्तों इसको काउंटिंग भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आपको मैं मम्मी से मिलाऊंगी, मम्मी पता नहीं कितनी देर में आएंगी, तो चलिए मैं तो जा रही हूँ अभी ट्यूशन पढ़ाने, मेरा टाइम हो गया है, बाकी मैं आपसे आके मिलती हूँ मम्मी के साथ में। तो फ्रेंड्स ये है हमारी मम्मी, और दोस्तों ये हमारी यूट्यूब की पेमेंट। तो दोस्तों ये पेमेंट हम अभी मम्मी के हाथ में देते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगता है। तो मम्मी ये लीजिए हमारी यूट्यूब से पेमेंट आई है, और आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब से हमें पैसे मिलने लगे हैं। पहले दोस्तों हमारी मम्मी को नहीं पता था कि यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं, पर जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो हमने मम्मी को बताया कि यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं, तो मम्मी को विश्वास हुआ, पर जब अब पेमेंट आई है तो मम्मी को यकीन हो गया होगा पूरी तरीके से। वैसे भी मना नहीं करते थे घर पे कोई भी वीडियो बनाने के लिए, ना इतनी मतलब वो था, रोक था ना टोक था, कुछ भी वीडियो बनाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है, तो मम्मी बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मम्मी हमारी कल कह रही थी कि हम बोलेंगे कि काम धाम कुछ करती रही है, केवल वीडियो बनाती रहती है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, मम्मी को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, मम्मी को गाय का भी काम करना पड़ता है, घर का भी करती है, तो मतलब मम्मी ये बात सही कह रही थी, बिल्कुल कोई झूठ भी नहीं है। और मम्मी और कुछ कहना चाहोगी आप तो बता दीजिए। मगर 8 बजे सो के उठती है। दोस्तों और ये नहीं बता रही कि कैसा लग रहा है, मतलब पर ये बता रही है कि हमारी पूरी तरीके से बेइज्जती कर रही, कोई तारीफ नहीं कर रही, मतलब अच्छे तो हैं। तो मम्मी मेरे बारे में कुछ कह दीजिए, आपकी कैसे सपोर्ट करना है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ऐसा करिए, वो लोग आप लोग भी ऐसे मोटिवेट होइए, क्योंकि आप लोग भी अगर YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको भी फर्स्ट पेमेंट मिलेगी और आप लोग भी YouTube से काफी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इनकी धूप में वीडियो बनाने का आज इन्हें फल मिला है, जो कि मम्मी के हाथों में है, और ये लग रहा है कि सारे पैसे मैं ले लूं। तो दोस्तों अभी हम कुछ नहीं करेंगे इन पैसों का, वो आपको पता है, नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो हम आपको बताएंगे इन पैसों का क्या करना है, अभी तो नहीं, फिलहाल में कुछ टाइम है, जब हम कुछ लेने वाले वो आपको बताएंगे बाद में क्या लेंगे क्या नहीं, वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। अभी ये पैसे हम कहीं भी उड़ाने वाले नहीं है, सेव करके बिल्कुल रखेंगे। और दोस्तों मतलब हम लोग ऐसी चीज लेंगे जिससे हम सभी को फायदा हो, कहीं भी मतलब हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अभी तो मैं बताऊंगा, समझने वाले समझ सकते हैं, बस समझिए, अभी कोई समझने की जरूरत नहीं, जब हम कोई चीज लेते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे, अभी नहीं 2-3 महीने बाद ही लेंगे, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे मैं तब तक संभाल के रखूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, बाकी मम्मी अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। हाँ धूप में वीडियो बनाती थी, धूप में वीडियो बनाती थी, मैं तो यही कह रही हूँ, उसका फल मिला उसे, बहुत खुशी की बात है, धूप में वीडियो बनाती थी, और आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे सपोर्ट करते रहिए, अभी फर्स्ट पेमेंट आई, जल्दी जल्दी सेकेंड आए, समझ रहे हो, समझ रहे हो,
समझ रहे हो ना। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी YouTube से कितनी पेमेंट आई, कितने डॉलर की पेमेंट आई है, वो आप लोग जरूर सुनिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं, आप लोग भी मतलब YouTube पे काम करने के इच्छुक हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक मैसेज देख सकते हैं और उसमें आप लोगों को साफ साफ नजर आता होगा कि मेरे YouTube से कितनी पेमेंट आई है। अगर आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अपने मुंह से बता देती हूँ, मेरे YouTube से पेमेंट आई है 8,569 रुपए, जो कि आप लोगों को मैं इंग्लिश में बता दूं 8,569 रुपीस मेरे YouTube से आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि मेरे YouTube से कितने पैसे आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये ज्यादा लगे या कम लगे, आप लोगों की शायद नजर में ये कम होंगे, पर जो मेहनत करता है उसके लिए, उसकी मेहनत के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो इतने आए, अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखते हैं मेरे ऊपर तो आगे चल के हमारे YouTube पे इससे भी ज़्यादा पैसे आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेमेंट हमारी YouTube से कब आती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।